तो एक शायरी है कि जब एक लड़की है और लड़का, मतलब लड़की बहुत ज्यादा लॉयल है कि वो चाहती नहीं है कि अपने जो उसका बीएफ है वो उसे छोड़े, पर फिर भी वो लास्ट टाइम जब उससे मिलते तो नहीं शादी कर देते वक्त उन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, तो वो बात है बस चार लाइनें कि रिश्तों की, लड़की बोलती है कि रिश्तों की बेड़ियों को तोड़ना हमसे नहीं होगा, कि रिश्तों की बेड़ियों को तोड़ना हमसे नहीं होगा, इस इश्क का मुकम्मल होना हमसे नहीं होगा, रिश्तों की बेड़ियों को तोड़ना हमसे नहीं होगा, कि इस इश्क का मुकम्मल होना शायद हमारी किस्मत में नहीं होगा, मैं उसी को अपना लूंगी जो मेरी किस्मत है, मैं उसी को अपना लूंगी जो मेरी किस्मत है, तुम भी समझ लेना कि 22 साल के आगे 2 साल का हिस्सा कम ही होगा। और ये था कि तुम्हारा ये जुनून तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, कि तुम्हारा ये जुनून तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, कि जितनी शिद्दत से तुम मोहब्बत कर रहे हो देखना इतनी चाहत से वो शख्स धोखेबाजी करने लगेगा। और एक ये था कि जाने वो शख्स में क्या है, जाने उस शख्स में क्या है जो वो मुझे खुदा लगता है, कि जाने उस शख्स में क्या है कि जो वो मुझे खुदा लगता है, कभी हरकतें देखी उसकी तो वो मुझे बंदा भी बुरा लगता है, कि कभी हरकतें देखी उसकी तो वो मुझे बंदा भी बुरा लगता है, कि जाने कैसा एतबार है मेरा कि जो उस शख्स पर हो गया, कि जाने कैसा एतबार है मेरा जो उस शख्स पर हो गया, उस शख्स से तो कोई ढंग से बात नहीं करता, मैं हैरान हूं कि मुझे उससे इश्क कैसे हो गया। एक ये है कि जो मुझे पूरा समझ सके, जो मुझे पूरा समझ सके ऐसा कोई शख्स नहीं मिला मुझे, कि जो मुझे पूरा समझ सके ऐसा कोई शख्स नहीं मिला मुझे, आधे अधूरे मतलब तक तो जानने वाले बहुत मिले, कि ऐसे वैसे आधे अधूरे मतलब तक तो जानने वाले बहुत मिले मुझे, पर बिना मतलब के हिस्से में जो लोग आते हैं वो शख्स नहीं कभी मिला मुझे, वो शख्स नहीं कभी मिला मुझे। और एक यह है कि जबरदस्ती की मोहब्बत से बिछड़ जाना ही अच्छा है, कि जबरदस्ती की मोहब्बत से बिछड़ जाना ही अच्छा है, अगर तुम्हें जिस्म चाहिए तो तुम्हारा उन गलियों में जाना अच्छा है, कि अगर तुम्हें जिस्म चाहिए तो तुम्हारा उन गलियों में जाना अच्छा है, मेरी और बस मेरी ही रहो तुम, मेरी और बस मेरी ही रहो तुम, तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड से मेरा इश्क काफी अच्छा है। और एक शायरी लिखी थी कि अगर अच्छी लगे तो दाद देना, वरना कोई जरूरत नहीं इस पर, मतलब इसमें थोड़ी ऑकवर्ड ही लगेगी आपको, मतलब अमीरी गरीबी के थोड़े तालमेल हैं, कि एक अमीर की लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई, कि एक अमीर की लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई तो सबने मॉडर्न फैशन बता रखा है, घूम रही थी एक गरीब की लड़की एक लड़के के साथ, मोहल्ले में सबने इसी बात को चला रखा है, अमीरों के कांड सब पैसों में छुप जाते हैं, गरीबों को इज्जत के धागे लोग क्या कहेंगे यही सब मार जाते हैं, अमीरों की औलाद किसी के साथ रहे, कि अमीर की औलाद किसी के साथ रहे तो लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, गरीब की औलाद बाहर रहे तो 100 सवालों को उठाया जाता है, कि धर्म बांटे या ना बांटे हमें अमीरी गरीबी की सोच ने ज्यादा बांट रखा है, कि धर्म बांटे या ना बांटे हमें अमीरी गरीबी की सोच ने ज्यादा बांट रखा है, अमीरों का दर्जा ऊंचा गरीबों को छुआछात और अंधविश्वास ने मार रखा है, अंधविश्वास ने मार रखा है। और गरीब की औलाद लगा देती है जी जान अच्छे नंबर लाने में, गरीब की औलाद लगा देती है जी जान अच्छे नंबर लाने में, अमीरी की औलाद पैसे में नंबर खरीद जाती है, गरीब काबिल होकर भी नाकाबिल रह जाता है, अमीरी सारे इंटरव्यू पास करवा जाती है, किस अमीरी गरीबी कास्ट धर्म की बातों ने इस देश को काफी पछाड़ रखा है, कुछ आजाद पंछी हैं जो आसमानों को चूम सकते हैं मगर उन्हें पिंजरों ने रोक रखा है। और ये है कि वही रोना धोना ही है कि तेरे दर्दों को आंसू में पिरो के दरिया बनाया है इस इश्क के होने ना होने ने मुझे बुरा बनाया है, कि मेरी तो सारी जिंदगी तुझ में रहती है तेरे साथ से मुझे इस अकेलेपन ने पत्थर बनाया है।